अब तक इसे सारी जानकारी वो फोन पहले ही दे देता था, जिस वजह से वो लगातार गेम जीत रहा था। अब वो कैसीनो की बड़ी गेम को भी जीत चुका था और कैसीनो का मालिक भी इसे पकड़ने के लिए इसकी तरफ आ रहा था। वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर इसे आदमी एक मुक्का मारता है। वो आदमी FBI से था। वो लोग इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कैसीनो का मालिक कहता है कि वो मेरा ही आदमी है। वो इसकी एक भी नहीं सुनते और यहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और उस मैसेज के बारे में पूछते हैं। अब वो उनको सब कुछ सच बता देता है कि ये फोन उसे कहाँ से मिला और ये फोन किसका है वो उनको नहीं जानता। अब वो लोग इसके सिम कार्ड को ट्रैक करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो मैसेज कहाँ से आते हैं। ये लोग फिर से इस आदमी को कैसीनो के अंदर गेम खेलने को भेजते हैं ताकि उसकी सिम को ट्रैक कर सकें। अब ये फिर से उसी कैसीनो में जाता है और इसके पास फिर से एक वॉइस मैसेज आता है। इस बार इसे 5 नंबर टेबल पर जाना था। वो उसी 5 नंबर टेबल पर जाता है और ये लोग यहाँ पर इसकी सिम को ट्रैक कर रहे थे। अब इसके पास फिर से एक और मैसेज आता है जिसमें ऑल बैटिंग के लिए बोलता है। अब वो अपने सारे टोकन को दाव पर लगा देता है। अब इसकी तरफ पत्ते फेंके जाते हैं, जो वो छोटे पत्ते थे। वो इस बार इस गेम को हार चुका था।